ये सड़कें इस बात का सबूत है कि बिहार में गठबंधन नहीं गड्ढा बंधन की राजनीति हो रही है। सत्तासीन आरजेडी के मुखिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस की गालों की तरह बिहार में चिकनी सड़क बनाने का सालों पहले वादा किया था, तो वहीं सीएम की कुर्सी से सालों से चिपके सुशासन बाबू ने भी सड़कों को दुरुस्त करने का निश्चय किया था। बिहार की सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना और पक्की नाली गली योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के लिए कितनी राशि रिलीज की गई और कितने पैसे खर्च हुए, इनका जिक्र भी बेकार है, क्योंकि इन सड़कों का हाल देखकर कोई भी कह सकता है कि इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। कोई ऐसा पैच, कोई ऐसा मुझे एरिया नहीं मिला जहां 5 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़क सही हालत में हो। जिस गांव में भी हम लोग गए हैं, जिन क्योंकि मैं ज्यादातर गांव ग्रामीण सड़कों पर ही चल रहा हूं, मैं नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पर बहुत कम जाता हूं, तो ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, जो नालियों की स्थिति है, जो 2015 सात निश्चय का एक प्रमुख निश्चय था कि गांव की गलियों की नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा और ग्रामीण सड़कों को तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़े जाने की बात कही ही गई है। बिहार सरकार ने आज से वर्षों पहले दावा किया कि सारे गांव तो सड़क से पक्के सड़क से जुड़ गए, अब टोलों को जोड़ा गया है, उसके बाद गाँव के अंदर गलियों और नलियों के पक्कीकरण की बात 2015 में कही गई थी। अभी जब मैं गाँव में जा रहा हूँ तो ना वो सड़क है, संपर्क सड़क ज्यादातर जगह टूटे हुए हैं। गांव के अंदर की जो सड़क है वो तो मैं आपको बिल्कुल विश्वसनीयता से बता सकता हूँ कि 10 में 9 गांव में ग्रामीण सड़क करके कोई चीज ही नहीं है। सड़क गांव के अंदर बिल्कुल नहीं है, गलियों के और नालियों के पक्कीकरण का तो कोई मुझे कोई विजिबल साइन दिखा नहीं। पश्चिम चंपारण के कई गाँव में खराब सड़क और संपर्क पथ नहीं होने से लोग परेशान है। सड़क हादसे का डर तो रहता ही है, गांव से कहीं और जाने में ज्यादा पैसे और ज्यादा समय खर्च होते हैं, जिससे पॉकेट पर भी दबाव बढ़ता है। बारिश हो जाए तो इन कच्ची सड़कों पर जल जमाव और कीचड़ की वजह से चलना दूभर हो जाता है। बिहार की सड़कें बिल्कुल बिहार की राजनीति की तरह है, जहां सरकार हो या आम इंसान, दोनों का सफर हिचकोले खाकर ही पूरा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन सुराज टीवी।